गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा पहला पाठ झटपट खाओ। इस कविता को हमने शुरू किया था और इसका अभ्यास कार्य हम देख रहे थे। तो आज जो है अभ्यास कार्य में प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिनमें यह कहा गया है। ये यहाँ पर हमें कुछ बताया गया है, ये जो बताया गया वाक्य है ये किन पंक्तियों में कविता की कहा गया है वो हमें कविता की पंक्तियां लिखना है। देखिए, गाय ने दूध को खाया, ये हमें किस किन पंक्तियों से समझ में आता है? जी हाँ, दूध उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुंह उसको खाया। लिख कर लीजिए, दूध उगी तो देख गाय ने हिला हिला मुंह उसको खाया। अगला जो वाक्य है वो देखिए, दादी माँ ने दूध में जामन देकर उसे जमाया। दादी माँ ने दूध में जामन देकर उसे जमाया। तो बताइए, ये हमें किस कविता की किन पंक्तियों से समझ में आता है? जी हाँ, दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देकर उसे जमाया। दूध मिला तो दादी माँ ने जामन देकर उसे जमाया। अगली देखिए वाक्य, अगला वाक्य, माँ ने कवि से मक्खन खाने को कहा। माँ ने कवि से मक्खन खाने को कहा। ये जो है हमें कविता की किन पंक्तियों से समझ में आ रहा है? देखिए, पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ। पर बोली माँ इसको खाकर हाथी से तगड़े हो जाओ। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये जो वाक्य है ये इन पंक्तियों में कहे गए। अब देखिए आगे अगला प्रश्न, अब देखिए प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला लगाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इस शब्द के जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा शब्द है जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसके ऊपर जो है हमें क्या करना है? गोल घेरा ऐसा लगाना है, गोला लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहला शब्द है माँ। माँ इस शब्द के जो है समान अर्थ वाले जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन से लेंगे? माया क्या जननी अम्बा माता, ये तीनों भी जो है माँ शब्द के जो है पर्यायवाची है। लेकिन निशा, ये क्या है? माँ शब्द का पर्यायवाची है क्या? जी नहीं, इसके इस पर गोला लगाएंगे। अब देखिए आगे धरती, धरती शब्द के पर्यायवाची शब्द देखिए इंदु है क्या? जी नहीं, धरा भूमि पृथ्वी, ये तीनों जो है धरती शब्द के क्या है? पर्यायवाची। लेकिन सिंधु है क्या? नहीं, सिंधु यानी क्या? चांद है ना। अब देखिए आगे अगला शब्द है सूरज। सूरज इस शब्द के जो पर्यायवाची है वो कौन से है बताइए? जी हाँ, रवि प्रभाकर भानु, ये तो है सूरज के पर्यायवाची। लेकिन शशि, ये जो है सूरज का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए आगे हाथी, हाथी ये जो शब्द है इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? गज, कुंजर, हस्ती, ये जो है हाथी शब्द के पर्यायवाची है। लेकिन केसरी, ये जो है हाथी शब्द का पर्यायवाची है क्या? जी नहीं। अगला शब्द है किरण। किरण इस शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अंशु, कर, मरीचि। लेकिन राकेश, ये जो है किरण का पर्यायवाची है क्या? जी नहीं। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो देखिए एक शब्द है धूप, धूप इस शब्द का समान तुक वाला शब्द सूप, ऊप। धूप इस शब्द के समान तुक वाले शब्द कौन से है? धूप, ऊप। भैया इस शब्द के समान तुक वाले शब्द है निया, निया। मन इस शब्द का समान तुक वाला शब्द है तन, धन। साथ इस शब्द का समान तुक वाला शब्द है नाथ, हाथ। उगा इस शब्द का समान तुक वाला शब्द है सुबह, सुबह।
गाय इस शब्द का समानत्व वाले शब्द है चाय भाय, खाया इस शब्द का जो है समानत्व वाला शब्द है पाया भाया। अब देखिए आगे सोच समझ के बाद से पहला प्रश्न है दूध एक संतुलित आहार है, इस विषय पर जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो देखिए जो दूध होता है वो क्या है, एक संतुलित आहार है। संतुलित आहार यानी क्या, जिसमें भोजन के जो पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो सभी पौष्टिक तत्व जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, और दूध ऐसा ही एक पोषक जो है तत्व वाला एक आहार है, संतुलित आहार जिसे कहते हैं, जिसमें जो है प्रोटीन कैल्शियम और अनेक विटामिन है जो हमारे दांतों हड्डियां और उसके साथ शरीर और दिमाग जो हमारा बुद्धि होती है उसके विकास के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दूध में जो है फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, आयोडीन होता है और कई खनिज वसा और ऊर्जा भी उसके अंदर होती है। तो आपको जो है इस विषय पर जानकारी हासिल करना है, दूध एक संतुलित आहार और उसके ऊपर जानकारी प्राप्त करके जो है आपको उसका उसकी मालूमात के वाला जो है वीडियो बनाकर मुझे भेजना है, ठीक है। अब देखिए आगे अपने बड़ों से जानकारी प्राप्त करके बताइए दूध एवं अन्य वनस्पतियों से क्या क्या दवाएं बनाई जाती है, उदाहरण का तुलसी नीम आदि है तो जो वनस्पति होते हैं इनसे कौन कौन सी दवाइयां बनती है ये जो है आपको स्वयं अपने बड़ों से जानकारी प्राप्त करके बताना है, ठीक है। अब देखिए आगे अपने घर या उसके आसपास बगीचे में जाकर देखिए और पता कीजिए कि माली ने वहां कौन सी धूप और वह अन्य पेड़ पौधे लगाए हैं, ये आपको स्वयं करना है। आपको क्या करना है कि आपके आसपास जो है अगर कोई बगीचा और गार्डन हो तो आपको वहां पर जाना है और वहां पर जो है जाकर देखना है कि वो जो बगीचे का जो माली है उसने उस बगीचे में कौन कौन सी धूप लगाई है। हम देखते हैं कि आजकल जो है हर गार्डन में जो है धूप लगाई जा रही है ना, और वहां पर कौन कौन से पेड़ पौधे हैं ये भी आपको देखना है। अब देखिए आगे एक गमला लेकर उसमें थोड़ी सी धूप लगाकर देखिए कि वह कितनी जल्दी चारों ओर फैलती है। आपको क्या करना है, गमला लेना है उसमें मिट्टी रखना है और मिट्टी डालने के बाद जो है थोड़ी सी धूप जो हरी नर्म मुलायम घास होती है वो आपको लगाना है और आपको देखना है कि कितने जल्दी यानी कुछ दिनों के अंदर ही जो है वो जो हरी धूप जो है चारों ओर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 3 है, नीचे दी गई पंक्तियां पढ़िए और सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो देखिए एक दी गई पंक्तियां हैं, सूरज ने भेजा धरती पर अपनी बेटी किरण, धूप को उगा दिया अपनी धूप को साथ खेलते धरती ने भी उगा दिया झट हरी धूप को, धूप उगी तो देख गाय ने हीरा हीरा में उसको खाया। कौन सी पंक्तियां लिखी, सूरज ने भेजा धरती पर अपनी बेटी किरण धूप को साथ चलते धरती ने भी उगा दिया झट हरी धूप को, धूप उगी तो देख गाय ने हीरा हीरा में उसको खाया। तो देखिए पहला प्रश्न है इन पंक्तियों के आधार पर पूछा गया किरण किसकी बेटी है, सूरज की धरती की या धूप की, बताइए। जी हाँ सूरज का जो किरण जो है किसकी बेटी है, जी हाँ सूरज की बेटी। अगला प्रश्न है धूप को किसने खाया, बताइए। जो हरी नरम मुलायम घास जो उगी थी उसे किसने खाया, धूप ने खाया, गाय ने खाया या बकरी ने खाया, जी हाँ गाय ने खाया। अब देखिए अगला प्रश्न गाय का पुल्लिंग क्या है, देखिए गाय जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, तो इसका पुल्लिंग शब्द बताना है, भैंस बैल या बछड़ा, बताइए कौन सा है। गाय शब्द का पुल्लिंग शब्द, जी हाँ बैल। अब देखिए अगला प्रश्न है
धूपी शब्द का विलोम शब्द हमें बता रहा है, तो बताइए धूपी शब्द का विलोम शब्द क्या है? परछाई, रोशनी या छाया? जी हाँ, छाया। ये जो है धूप का जो है विलोम शब्द है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो सभी जो कविता है, ये पूरी कविता आपको याद करनी है और उसका एक वीडियो बनाकर जो है मुझे भेजना है, ठीक है। और ये जो सभी प्रश्न है आपके किताब के अंदर भी लिखना है और आपके जो है नोटबुक के अंदर भी, पुस्तिका के अंदर भी लिखना है, ठीक है। और जो है इस पाठ के बाद, इस पाठ के खत्म होने के बाद जो है कुछ दिनों में अपनी एक दो दिन के अंदर ही जो है इसके ऊपर जूम ऑनलाइन मीटिंग भी होगी, उससे भी आप जो है सभी उपस्थित रहे, ठीक है। इस तरह से पाठ हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।